हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज बहुत ही खुशी के दिन है हम लोगों के लिए। इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है, ईदगाह का लेआउट हुआ है और आज जो है ईदगाह का बुनियाद डाला जा रहा है, जहां पर इलाके के सारे लोग मौजूद हैं। बने रहे मेरे वीडियो में, दिखाते हैं आपको। और ईदगाह का जो बुनियाद डाला जाएगा उसके दुआ के लिए इमाम साहब लोग यहाँ पर आ गए हैं। जिन लोगों को भी इस ईदगाह में ताउन करना है वो मोहम्मद तनवीर साहब से, सिद्धू साहब से, शादाब या फिर मुनचुन चा से भी आप जाकर मुलाकात कर सकते हैं। शादाब इकबाल भी, उनसे भी मिल सकते हैं, रابطہ कायम कर सकते हैं। और उनको भी आप, जो लोग बाहर में हैं उनसे स्पेशली दरख्वास्त है, जो लोग मुंबई में हों या बेंगलोर में हों या कहीं भी, आपके गाँव के लिए पहली बार ये मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जहाँ तक हो सके शरीक होइए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा जो ताबून हो सके वो कीजिए। ये रिक्वेस्ट है हम लोग सारे लोगों की, इल्तिजा है आप लोगों से जो लोग बाहर में हैं। इसमें आज बाहर है लेकिन एक दिन गांव में ही आना है, और जब इस ईदगाह में नमाज पढ़ेगा तो दिली सुकून मिलेगी आपको। देखिए और हायाघाट नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मेयर साहब भी यहाँ पर हैं। इलाके के सारे लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, बस सब कुछ ही देर में यहाँ पे दुआ होने वाला है। ये हमारे इलाके के सारे नौजवान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो ईदगाह बन रहा है ये नगर पंचायत के फंड से नहीं बन रहा है, बल्कि हमारे आपके ताबून से ये ईदगाह बन रहा है। देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताबून करेंगे उतना जल्दी ये ईदगाह तैयार हो जाएगा। और इस बार इंशाल्लाह हम लोग इसी ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो है इसमें जहन में आ गया है कि ये नगर पंचायत के फंड से जो ईदगाह बन रहा है, तो ये गलत बात है। ये जो है हमारे और आपके ताउन से जो है ईदगाह बन रहा है। इब्रान को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुहर्रम का लाठी भाजने वाला है। यही तारीख चाहे जिन्होंने ईदगाह के लिए जमीन डोनेट किया है, दिया है। और इलाके के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पर दुआ होने वाला है। दिखाते रहे आपको, बने रहे मेरे वीडियो में। मसाला जो मिलाने वाला मशीन है वो भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे मिस्त्री लोग जो है वो नीचे मसाला जहाँ पर गिरेगा उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, ताकि मसाला जो है वो बर्बाद ना हो, वेस्ट ना जाए। यहाँ पे बालू है, गिट्टी है, सीमेंट है। पीछे देख सकते हैं कि यही लेबर लोग हैं जो अभी मसाला तैयार कर रहे हैं। ईदगाह बनने में जो है सारे लोगों का अहम भूमिका है। अभी जो ये 100 फीट का मीनार है इसको भी ढाला जाएगा, इसकी नापी की जा रही है। इलाके के देखिए यहाँ पर भी सारे लोग मौजूद हैं। आवाज़ कैच कर लेता है जी। मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप कि सब लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मेरा दोस्त और यहाँ पर निहाल साहब भी पहुँचे हुए हैं, दूसरे ब्लॉगर्स हैं। और हाथी पांव पिलर जो है उसका ये जाली तैयार है, बस अभी इसमें डालकर ढलाई किया जाएगा। सामने मसाला भी बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर निशान दिया जा रहा है अभी। अरे कितना इंजीनियर साहब देखेंगे तब ना होगा। ऊपर तक ऊपर अंगली ऊपर ऐसा कुछ नहीं इंजीनियर साहब। हाँ, यहाँ पर मसाला आ चुका है, अब कुछ ही देर में इमाम साहब आएंगे जो दो
दुआ करेंगे और बच्चे लोग भी काफी खुश है ईदगाह का काम देखकर। बच्चे बूढ़े जवान सभी के दिलों में आज खुशी है और सभी लोग इलाके के यहाँ पर मौजूद हैं। बने रहे मेरे वीडियो में, दिखाते हैं आपको अभी हम। इमाम साहब अब कुछ ही देर में आने वाले हैं। सामने इंजीनियर साहब जो है वो समझा रहे हैं कि पिलर को कैसे रखना है, कैसे ढालना है, क्या करना है। ये ऑरेंज टी शर्ट में जो है ये इंजीनियर है, लेबर को समझा रहे हैं। मेरे पीछे है हसन चौधरी जो अपना फेस अभी नहीं दिखाएंगे, वन के होने के बाद ही दिखाएंगे। मास्टर आले नाई साहब जो हमारे अंकल हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और आशीष चा, रणवीर चा, कैसर चा, समा भाई, सब लोग कम हो गए। लगभग जो ढलाई का काम है वो सारा हो चुका है, बस अब कुछ देर में ही ढलाई होने वाला है। इलाके के सब लोग आ चुके हैं। सारे लोगों को एक जगह देखकर काफी खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मिस्त्री साहब जो है वो अपने सर पर मसाला लेकर चल दिए हैं। के लिए जो है इमाम साहब आ गए हैं और उनके साथ में है हायाघाट के जमींदार डॉक्टर तनवीर साहब। मौलाना गफ्फार साहब और देखिए दुआ के लिए यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर तनवीर साहब थोड़ा सा मसाला डालेंगे। दुआ हो रहा है यहाँ पर। ये मुबारक कमल जो है हम सबों के हाथों अल्लाह ताला जो है काम दे रहा है। ये जो ईदगाह है, मस्जिदें हैं, मदरसे, ये सब चीज़ें शायर इस्लाम में से कहलाती हैं। यानी वो सब चीज़ें जिनसे ईमान की, अहले ईमान की, मुसलमानों की पहचान और जो है उसकी अलामत ज़ाहिर होती है। ईदगाह से, मस्जिदों से, शायर इस्लाम की बड़ी अहमियत है। शायर इस्लाम की अजमत, उसकी मोहब्बत दिल में रखना, ये अल्लाह वालों का काम है, अल्लाह से डरने वालों का काम है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब। जो अल्लाह के शायर की अजमत रखता है, दिल मोहब्बत रखता है, ये तकवा का काम है, अच्छे दिलों वाले का काम है। और अल्लाह ने फरमाया, इन सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा जो है ये भी अल्लाह के शायर में से। तो शायर इस्लाम जितने भी हैं, ईदगाह हैं, मकाबिर हैं, मस्जिदें हैं, खानकाह हैं, इन सबों की अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने तामीर कर दिया, संग बुनियाद कर दिया, इसकी हिफाजत देख रेख नहीं, बल्कि हमेशा इसकी हिफाजत अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हजरत दुआ फरमाएंगे। तेरे ईदगाह की शायर इस्लाम की एक चीज़ों की बुनियाद पर रही, इस बुनियाद को कबूल फरमा। इसमें जितने भी लोग शरीक हैं सबके आने को कबूल फरमा। इसमें जिन लोगों की जैसी शिरकत हिस्सेदारी है सबको उनको शान शान बदलाता फरमा। इस मुबारक अमल को पाए तकमील तक पहुँचा। इस ईदगाह को और इन सब चीज़ों की बस्ती के लोगों के लिए खैर फलाह में आने का जरिया बना। नेक नामी, नेक पहचान के जरिया बना। आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक, बाहमी एगानत का जरिया बना। या अल्लाह अपनी रजा का जरिया बना। या अल्लाह मुबारक महीने में मुबारक हाथों, या अल्लाह ये मुबारक अमल वजूद में आ रहा है इसके कबूल फरमा, अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। दुआ के बाद जो है मसाला डाला जा रहा है पिलर के अंदर। बुनियाद का जो काम है वो हो गया है यहाँ पर। खड़ा कर।
और बुनियाद का जो काम है वो हो गया है, हमने अपने वीडियो को कर लिया है शूट, अब निकलते हैं। चलिए मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तारीख 4 तारीख चलो साला भी रेडी है। बहुत खुशी की बात है इलाके के लिए, लोग भी बहुत खुश हैं। सबके चेहरे पर खुशी है, देख सकते हैं आप। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दिया है। बोलो भाई, यहाँ पर भी ताबून कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। जैसा कि अभी तनवीर चाय ने बताया है कि जिन लोगों को भी ताबून करना है, इन लोगों से मुलाकात करके आप अपना पैसा दे सकते हैं। बुनियाद के बाद जो है थोड़ा आराम किया जा रहा है, काफी लंबा चौड़ा है इनका।